हाय फ्रेंड्स, मैं नाजिया, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ में गाजर के मुरब्बे की रेसिपी। और गाजर में ना विटामिन ए होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये 1 किलो गाजर है, इसको मैंने काफी अच्छे से वॉश करके पील कर लिया है, यानी इसका जो छिलका है वो मैंने उतार लिया है। सबसे पहले हमें इसके पीसेस बना लेने हैं, तो आपको जो भी शेप पसंद है आप वैसे पीस बना लीजिए। तो पीसेस इनके मैंने यहाँ बना लिए हैं। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है पीसेस बहुत ज्यादा पतले नहीं बनाने हैं, थोड़ा सा थिक रखना है। अच्छा, गाजर के अलावा मैंने ये 1 कप चीनी ली है और 3 ली है मैंने सब्ज इलायची यानी हरी इलायची। और इन सब के अलावा हमें चाहिए होगा 1/2 लेमन। तो बस यही चीजें हमें चाहिए। अब हमें जिस भी बर्तन में मुरब्बा बनाना है वो आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, इसमें मैं ये गाजर ऐड कर दूंगी। गैस मैंने अभी ऑन नहीं किया है, ऐसे ही कढ़ाई ऊपर रखी हुई है। यहाँ पर इसमें मैं ये चीनी ऐड कर रही हूँ और चीनी ऐड करके हम इसको कवर करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर हम गैस ऑन करेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए रखा है और यहाँ पर जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। गाजर ने काफी सारा पानी भी रिलीज किया है। गाजर को गलाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1/2 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है और साथ ही गैस की फ्लेम जो है ये हम ऑन कर देंगे। पानी के साथ ही इसमें हम ये इलायची भी ऐड कर देंगे। इसको हमें एक उबाल लगाना है, तो उबाल जल्दी से आ जाएगा, इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम अभी हाई रखी है। यहाँ पर जो चीनी कुछ साइड में आ रही है इसको हम इसमें मिला देंगे अच्छे से और साथ ही हम इसको कवर कर देंगे। अभी गाजर हमारी पकनी शुरू हो गई है। बस एक उबाल लगाने तक ही गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी थी। अब मैंने इसको बिल्कुल स्लो कर दिया है और स्लो फ्लेम पर हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक चीनी और पानी आपस में मिक्स होकर थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता, यानी हमें इसकी अच्छी सी चाशनी बनानी है, जैसी रसगुल्लों की चाशनी होती है। तो यहाँ पर अभी पकते हुए इसको तकरीबन 15 मिनट हो गई है और देखें ये चाशनी भी बननी अभी हमारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसको हमें और पकाना है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर स्लो ही रखेंगे। चलिए, अभी ये जो नींबू है इसमें हम ये ऐड कर देंगे। नींबू डालने से एक तो गाजर पर शाइन काफी अच्छी आ जाती है और दूसरा चाशनी जो है ये क्रिस्टलाइज नहीं होगी, यानी जो चीनी अभी मेल्ट हो गई है वो वापस से जमेगी नहीं। और नींबू ना प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो यहाँ पर नींबू मिक्स कर दिया है, इसको अभी हम कवर करेंगे और ये जो चाशनी है हमारी इसको थोड़ा थिक होने देंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाया है। सबसे पहले इसकी चाशनी देख लेते हैं, एकदम से परफेक्ट है ये, जैसे रसगुल्ले की चाशनी होती है बिल्कुल वैसे बन गई है और पीसेस भी एकदम गले हुए लग रहे हैं। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। चलिए, अभी गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। यहां पर हम इसको सबसे पहले कंप्लीटली ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा ये यम लगता है, तो आप इसको जरूर से ट्राई करें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक मजेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।